नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिककार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। होपफुली जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, यू आर इन द बेस्ट फेस ऑफ योर लाइफ और अनफॉर्चुनेटली कुछ खराब चल रहा है, ये रीडिंग आपको एक गाइडिंग लाइट की तरह हेल्प कर सके, यही मेरी एक विश रहेगी। तो आज की पिककार रीडिंग है आपके नेक्स्ट बर्थडे तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। चाहे आपका बर्थडे आने वाला हो 10 दिन बाद, 10 हफ्ते बाद या 10 महीने बाद, जो भी आपका नेक्स्ट बर्थडे, इन केस इफ आप आज वीडियो देख रहे हो आज ही आपका बर्थडे, फर्स्टली तो हैप्पी बर्थडे, तो फिर नेक्स्ट बर्थडे, ओके, तो तब आपका क्या लाइफ में चेंजेस होंगे वो। सो वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन योर नेक्स्ट अपकमिंग बर्थडे, उस तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या मेजर मतलब ट्रांजिशंस आ सकती हैं, वो हम चेक करेंगे। आपकी लाइफ का क्या चैप्टर चल रहा होगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, वो हम आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में जानेंगे। बट बिफोर वी गो टू द रीडिंग, वेलकम टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, स्वागतम। प्लीज़ वीडियो को देखिए, इन केस आप रिलेट करते हैं, आपको वाइब कनेक्ट होती है, तो आप बाद में सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना चैनल को, क्योंकि एल्गोरिदम वो एक्नॉलेज करेगा। मैं तो दिल से एक्नॉलेज करूंगी, बट एल्गोरिदम भी एक्नॉलेज करेगा, एंड इट विल हेल्प मी टू ग्रो बिकॉज आई एम अ स्मॉल क्रिएटर, सो इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड इन केस आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, आप रेगुलरली वीडियोज को वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अपने सपोर्ट को ऐसे ही बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए अब चलते हैं पाइस सिलेक्शन की तरह। तो इस वीडियो के बाद आपके सामने आएंगी थ्री इमेजेस फॉर यू टू चूज फ्रॉम। जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको मेरी तरफ कनेक्ट करे, चूज दैट एज योर पाई। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन मोर देन वन इमेज, दो इमेजेस आपको ज़्यादा रिलेट करिए, आप दो इमेजेस को भी अपनी पाई की तरह से चूज कर सकते हो। मे बी दोनों में कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। सो नाउ चूज योर पाई एंड आई डायरेक्टली कैच यू एट योर रीडिंग। अगर आपने यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट किया है, दिस इज द रीडिंग। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले एनर्जी और ऑरेकल से यहाँ जानेंगे मेन एनर्जी शिफ्ट जो आपकी लाइफ में होगा टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। सो व्हाट इज द मेन एनर्जी शिफ्ट जो नेक्स्ट बर्थडे तक मेरी प्यारी पाइल की लाइफ में हमें काफ़ी स्ट्रांगली नजर आएगा। तो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड वी हैव हियर द कार्ड नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। ओके, डोर टू स्पिरिट। सो फर्स्टली यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, आप सोल जर्नी में आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप अपनी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप फर्दर एडवांस हो सकते हैं, और आपको उसमें फर्दर एडवांस होकर रिजल्ट मिल सकता है। यूनिवर्स से कनेक्शन बेटर और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। पीसफुल बहुत ज़्यादा हो रहे हो लाइफ में, कंटेंट बहुत हो रहे हो लाइफ से, क्योस ड्रामा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, शांति लाइफ में बहुत ज़्यादा है, रिलैक्सेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल एंड ऑल यू आर गोइंग आउट ऑफ कनेक्शन फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, जेन्युइन लोग, अच्छे लोगों की संगत में हो, कोई किसी तरह का गुरु भी, अगर आप किस तरह के गुरु को सीक आउट कर रहे हो जो आपको फर्दर हेल्प करे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करवाने में, तो वो पर्सन भी आपको मिल सकता है। एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पे ज़्यादा रोक टोक नहीं है, थोड़े मन के मर्जी के मालिक हो, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन के मर्जी के मालिक हो, बहुत ज़्यादा शांति है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, और ये तो मुझे दिख ही रहा है कि यूनिवर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्गली आप यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स, आपकी एक मेजर, आपकी जो भी कुछ मेजर अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स बाय नेक्स्ट बर्थडे या अपकमिंग बर्थडे जो भी होंगी वो क्या होंगी आपकी। ओके, वी हैव हियर वन कार्ड पुल्ड आउट, एक और निकाल लेते हैं। सो आपकी मेजर अचीवमेंट्स यहाँ पे क्या होंगी। वी हैव हियर नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड देन वी हैव हियर द हायरोफंट का कार्ड। अगेन इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अगेन इट टॉक्स अबाउट दैट स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली जो नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करोगे, कोई काम था जो ऑलवेज
ऑलवेज ऑलमोस्ट लुक्ड इम्पॉसिबल, या आप कोई चीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते रहते थे, उसे लिंगर ऑन करते थे, फाइनली अब वो चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो, फाइनली उस चीज़ के प्रोसेस में आप घुस गए हो. एक तो आपकी ये अचीवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इतना ग्रो हो चुके हो कि पीपल लुक अप टू यू. आप अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर विजन और प्लान, एक स्कूल ऑफ थॉट में इतने एडवांस हो चुके हो. ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में हो, ये कि किसी तरह का काम का अप्रोच हो सकता है, टेक्निक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आप इतना मास्टर हो चुके हो कि आपको आप उस लिहाज से आपको उस चीज़ में रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको उसमें नाम मिल रहा है कि हाँ अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो यू नो यू शुड टेक टिप्स फ्रॉम माई दिस ब्यूटिफुल पाइल, क्योंकि वो इस पाइल इस तरीके की ये स्किल को बहुत अच्छे से जानती है, समझती है. तो आपके अकम्पलिशमेंट ये है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में थे, आपने उसमें इतना एक्सेल कर लिया कि लोग आपको टिप्स के लिए या एक्सपर्टीज के लिए आपको सीख करते हैं, एंड सेकेंडली किसी तरीके का काम था जो आप बहुत देर से लटका रहे थे, फाइनली अब आप उस काम में घुस चुके हो और ऑलमोस्ट उसे टूवर्ड्स कम्प्लीशन की तरफ लेके जा रहे हो, इज़ वॉट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स. लेट्स सी सम ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में होंगी टिल योर नेक्स्ट बर्थडे. कुछ ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके नेक्स्ट बर्थडे तक जो कि होंगी, और उसके लिए वी हैव कार्ड एस ऑफ कप्स का, नेक्स्ट इज एट ऑफ कप्स का, एंड देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स का, 1 8 9 1 + 8 9. ओके, तो देखिए जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है. तो जो द पर्सन हु इज़ नॉट मेंट फॉर यू शायद वो आपकी लाइफ से जा रहा है, या फिर जो बाउंड्री स्टैंडर्ड्स आपने अपने लिए मेंटेन किया था उस हिसाब से आप अपनी लव लाइफ में एक्शन ले रहे हो, जिस वजह से नाउ द काइंड ऑफ लव लाइफ या द काइंड ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से या अपने पर्सनल क्लोज पीपल से, वैसे ही आपको मिल रही है. इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल हो रहे हो क्योंकि आपने इमोशनली कोई बाउंड्रीज ड्रॉ की है, जिस वजह से एक नया वेव ऑफ इमोशंस एंड न्यू वेव ऑफ लव एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो हुई है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी ला रही है. सो फॉर द सिंगल पीपल डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आ सकता है, और अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप को कमिटेड हो तो आपकी लव लाइफ में आपका और आगे पार्टनर का इस तरह का बैलेंस बन रहा है जो कि अब आपको खुश कर रहा है, क्योंकि आपने कोई सर्टन बाउंड्रीज मेंटेन की, आपने सर्टन तरीके से अपनी लव लाइफ में एक डिफरेंट एंगल और अप्रोच के साथ आगे प्रोसीड किया है, ये जो मुझे नजर आ रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है जो आपकी लव लाइफ में आते ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि उस दिन जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन वो बर्थडे की एनर्जी क्या है, एक वो भी देख लेते हैं ना कि नेक्स्ट जो भी आपका अपकमिंग बर्थडे है उस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी है एंड उस दिन कैसा रहेगा, मतलब आपकी एनर्जी नहीं, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट बर्थडे, वो बर्थडे की एनर्जी कैसी है. एंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ फोर ऑफ वांड्स का, तो काफ़ी ज़्यादा अकम्पलिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, तो धूमधाम से बर्थडे मनाया जा रहा है, एटलीस्ट तीन चार लोगों को बुलाया जा रहा है, और एक गैदरिंग तो ज़रूर है, ठीक है, गैदरिंग ज़रूर है. और जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है उस टाइम रिलेशनशिप में होंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका पार्टनर काफ़ी अच्छे से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, ऐसे भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो एक अच्छी एनर्जी है, एक फुलफिलिंग एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी है, ग्लैमरस एनर्जी है आपके बर्थडे के अराउंड, कि पीपल आर टेकिंग एफर्ट्स टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. लास्टली हम यहाँ पे देखते हैं आपके जो नेक्स्ट बर्थडे कुछ मैसिव चेंज एनर्जी कुछ भी जो आ रहा हो अराउंड योर नेक्स्ट बर्थडे तो उसके लिए क्या है. एंड वी हैव हियर द कार्ड्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू वरी. तो आपके नेक्स्ट बर्थडे तक अगर आप करंटली इस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि उस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट बर्थडे तक उस चीज़ की चिंता नहीं होगी, अभी थोड़े टाइम में इस रिलेटेड चीज़ और इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी हेजिटेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं आपको खाए जा रही हैं वो सब साइडलाइन हो जाएगी. सो डोंट वरी, यू आर सॉर्टेड, ठीक है. तो यस माय पाइल, ये है आपकी रीडिंग. इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बर्थडे तक आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस पीस आए, तो आपने व्हाइट कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है. इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल रीडिंग्स तो ऊपर कहीं नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के साथ इंटरेक्ट करिएगा बाय लाइकिंग, शेयरिंग, सपोर्ट एंड सब्सक्राइबिंग. ईच जेस्चर हेल्प्स मी टू ग्रो, सो प्लीज डू दैट, एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार एंड बहुत सी ब्लेसिंग्स, बाय बाय. हाय माय पाइल,
अगर आप यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट करके आए हो, दिस इज द रीडिंग। लेट्स नो कि आपके नेक्स्ट बर्थडे तक आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से मेन एक एनर्जी शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आएगा वो हम जानेंगे कि मेजर लाइफ शिफ्ट आपके नेक्स्ट बर्थडे तक क्या आएगा। सो व्हाट इज द मेजर शिफ्ट फॉर माई लवली पाइल, लेट्स चेक दैट आउट। एंड वी हैव हियर द कार ऑफ द सन। तो सन का कार यहाँ पे आया है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा एक कम्फर्टेबल स्पेस में हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक लग्जूरियस स्पेस में हो, आप अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। शायद आपका लोकेशन भी ऐसी, शायद आपका बर्थडे समर्स में होता है, एंड इफ नॉट समर्स में तो आपका जो नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट बर्थडे तक में होगा, या एटलीस्ट आप सेलिब्रेट करने ऐसी जगह पर जाओगे जो एक समर स्पॉट हो सकता है, बीच हो सकता है। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वार्मथ है टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट है, रिस्पेक्ट है, रिकोगनीशन है, हैप्पीनेस है, हीलिंग है हेल्थ के एस्पेक्ट से, ब्यूटी है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आप वो आपके अंदर ज्ञान है। कुछ लोग यहाँ पे अगर फैमिली प्लान करें उनके लिए बच्चा भी हो सकता है, कंसीविंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अबंडेंस यहाँ पे दिख रहा है। ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव, रिच, पीसफुल, हैप्पी, हेल्दी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। तो बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है। लेट्स सी, अब यहाँ पे हम टैरो कार्ड से सबसे पहले फर्स्टली हम चेक करेंगे कि जब तक आपका नेक्स्ट बर्थडे होगा तब तक आपकी लाइफ में क्या एक चीज़ होगी जो आपने मतलब अचीव कर ली होगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके, सो वी हैव हियर कार्ड्स। तो आपके लिए यहाँ तक कार्ड है द एम्प्रेस का, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड लाइफ में एक सक्सेस पा रहे हैं टिल नेक्स्ट बर्थडे। तो टिल नेक्स्ट बर्थडे शायद आपकी शादी हो चुकी होगी, या यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनकेस आप मैरिजेबल एज में नहीं हो तो आप ऐसी पोजिशन में हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आपने काफ़ी सक्सेसफुली कुछ अचीव किया है और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत अच्छी एक विन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बेसिकली ग्लो अप कर रहे हो, आप ब्यूटी आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो अप हो रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है काफ़ी वेल सेटल्ड एटमोसफेयर में है, एक हाई फाई अबंडेंट एटमोसफेयर में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ शादी के थ्रू हो सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस या करियर के एस्पेक्ट से वो हो सकते हैं, बट एक अबंडेंट सेटिंग आपके आसपास मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपके नेक्स्ट बर्थडे तक आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स होंगी। ओके, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स होगी। एंड वी हैव हियर थ्री कार्ड्स फॉर यू। सो वी हैव हियर द पेज ऑफ कप्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो कोई टॉक्सिक पैटर्न चैप्टर, कोई टॉक्सिक कहानी, कोई दुख भरी दास्तान जो लाइफ में चल रही थी, जो कहीं ना कहीं आपको पेन देती थी, आपको प्रॉब्लम देती थी, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कोई पेनफुल चीज़ थी जो कि आप बहुत ऐसे सफ़र कर रहे थे उससे, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी एस्पेक्ट से हो सकती है, फाइनली वो चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज हो रहा है। इस बर्थडे के बाद वो नेक्स्ट बर्थडे में लिंगर ऑन नहीं होगा ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो सकती है वो भी इंटू फ्रुएशन आ रही है, वो भी पूरी होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। आपने जी जान से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी, दुआ मांगी थी, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी, मन्नतें मांगी थी, वो चीज़ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव एडमायरर्स अराउंड यू, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप कमिटेड हो, एडमायरर्स, लोग जो आपको वैल्यू करे, लोग जो आपको रिस्पेक्ट करे, ऐसे लोग आपके आस पास होंगे। तो ऑल एंड ऑल लाइफ से कुछ दुख भरा खत्म हो रहा है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डेस्परेट तरीके से आपने विश की थी वो चीज़ आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। और यू हैव पीपल अराउंड यू हु एक्चुअली सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस, हु सेलिब्रेट जस्ट यू बीइंग अराउंड देम, ऐसे लोग, ऐसे एडमायरर्स आपके आसपास होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एनीथिंग स्पेशल, जो कुछ बहुत स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल टिल नेक्स्ट बर्थडे जो आपकी लाइफ में होगा, एक वो मैसेज निकाल लेते हैं। वी हैव द कार्ड फॉलन डाउन, हमेशा की तरह जो रिचुअल है हमारा, हम उसको उठा लेते हैं। गिव मी अ सेकंड, हियर इट इज, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द स्टार। ओके, तो वही है, विश फुलफिलमेंट अगेन आ रहा है। आपकी जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर किसी तरह का फेम हो या रिस्पेक्ट एक्नॉलेज कर रहे थे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक और कार्ड भी गिरा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह का
फेम रिकग्निशन, जहाँ हर तरफ ध्यान आपकी तरफ हो, जहाँ हर तरफ तारीफ आपकी हो रही है, जहाँ हर तरफ आप ही का जलवा हो, कुछ ऐसा आप मांग रहे थे तो वो भी आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है बाय द नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, अब हम एक कार्ड निकालेंगे कि नेक्स्ट बर्थडे आपका कैसे जाएगा, जो भी ये अपकमिंग बर्थडे है आपका ये कैसे जाने वाला है, एक कार्ड उसके बारे में भी हम निकाल लेते हैं। आपका जो अपकमिंग बर्थडे है वो कैसा जाएगा, जो भी होगा उसका एनर्जी क्या है। एंड वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, जैसा भी आपने सोचा है उससे थोड़ा अलग और हटके आप यहाँ पे सोचोगे। शायद आपको आप शायद बहुत ज़्यादा जिस वे में सोच रहे हो शायद उस वे में ना उससे अलग हो, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉनिटर करना। शायद आपकी सोच से बहुत अच्छा हो सकता है, शायद आपकी सोच से बहुत बेकार भी जा सकता है। सो ज़्यादा उम्मीदें मत लगा के रखना क्योंकि कुछ डिफरेंट ही होगा इस बर्थडे पे, जस्ट इतना कहना चाहूँगी मैं आप लोगों को। ओके, लास्टली हम यहाँ पे आपके आंसर्स निकाल लेते हैं। एनीथिंग स्पेशल जो बाय नेक्स्ट बर्थडे आपकी लाइफ में रिवील होगा या कुछ स्टार्ट होगा, something that is going to get revealed to you till your upcoming birthday. And we have here is forgiveness within the next few weeks. तो आपके next birthday आने से कुछ हफ्ते पहले कुछ हफ्ते बाद ही किस तरीके की forgiveness है, या तो आप किसी को forgive कर रहे हो जो आपको ultimately peace दे रहा है, या कोई आपको forgive कर रहा है जो कि आपको ultimately peace दे रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरह का negative karma cancelling भी होता हुआ नजर आ रहा है, which is a good thing. सो यस माई पाइल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि नेक्स्ट बर्थडे तक ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में जल्द से जल्द हो। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में येलो कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है सो आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन लॉट्स ऑफ लव टू यू। इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ऊपर नीचे कहीं इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब शेयर करिए, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर दैट। प्लीज डू इट एंड आई कैच यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। तब तक बहुत सारा प्यार, तब तक बहुत सारी लाइक, तब तक बहुत सारी विशेस। बाय बाय। अगर आपने यहाँ इस इमेज को चूज किया है, दिस इज योर बाय, लेट्स चेक आउट आपके अपकमिंग या नेक्स्ट बर्थडे तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। फर्स्टली एनर्जी और ऑरेकल से एक मेन चेंज, एनर्जी शिफ्ट कुछ जो भी होगा टिल योर नेक्स्ट या अपकमिंग बर्थडे वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेरी प्यारी प्यार का क्या एक मेजर एनर्जी शिफ्ट और चेंज है बाय देयर नेक्स्ट और अपकमिंग बर्थडे। एंड वी हैव हियर द फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। तो अगर आपके पास यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है तो काफ़ी स्ट्रांगली फर्स्टली ये बता रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो रही है फॉर द पीपल जो कहीं ना कहीं म्यूज़िक में या स्पीकिंग में उनका कुछ वो है करियर है आप, या फिर आप डिजिटल या ऑनलाइन आप काम करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप राइटर हैं, आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा धाक बन रहा है पब्लिक स्पीकिंग में, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे छोड़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। नॉट ओनली दैट, आपका काफ़ी ज़्यादा रुतबा भी यहाँ पर बढ़ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं एंड आप में वो करिश्मा आ रहा है कि आप जब लोगों के बीच में जा रहे हो आप महफिल लूट पा रहे हो, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मेसमराइज विद योर कॉन्वर्सेशंस। आपको वो तारीफें मिल रही है, पीपल आर अंडर योर स्पेल, द वे यू टॉक, द वे यू मूव, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, पीपल आर अंडर योर स्पेल, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एक ग्लो अप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पर्सनैलिटी ग्लो अप हो रहा है, आपकी धाक बन रही है, आपकी वो पर्सनैलिटी बन रही है कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर एक्नॉलेजिंग यू, आपकी बातों का वट पड़ रहा है, आपकी बातों को लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें वजन है और उसको मान रहे हो, बात में दम है आपकी। Let it put it like that way. ठीक है, for the males especially, males का बहुत सुंदर ग्लो अप होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत लोगों की जॉ लाइन बहुत शार्प होती हुई दिख रही है, सो इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू हैव अ वेरी चिजल्ड जॉ लाइन, आई विश मैं ये पाई सेट करूँ, मुझे भी चिजल्ड जॉ लाइन चाहिए।
ओके बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बर्थडे तक आपका जॉ लाइन काफ़ी सुंदर होने वाला है, आपका फेस कट बहुत प्यारा होने वाला है, ऐसा भी मुझे एक चैनल मैसेज बहुत लोगों के लिए आ रहा है. ऑल एंड ऑल इट सीम्स टू बी अ पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, आपका यू आर वेरी बींग वेरी गुड विद योर कम्युनिकेशन, ऐसा मुझे कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है. लेट्स सी अब आपके टैरो कार्ड से इन मोर डिटेल कि हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू हैव बाय नेक्स्ट या अपकमिंग बर्थडे. तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स रही हैं नेक्स्ट बर्थडे होने से पहले पहले आपकी लाइफ में क्या अकम्पलिशमेंट्स आपने अचीव की है. तो हमारा पहला कार्ड है यहाँ पे 7 of Wands का एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पे 10 of Wands का. तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ थी जहाँ पे आपको लोगों की तरफ से एक रिजेक्शन मिल रहा था या लोगों की तरफ से किसी चीज़ में रेजिस्टेंस मिल रहा था, आपने फाइनली वो चीज़ को अचीव किया. मतलब लोगों की लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपकी चीज़ें अगेंस्ट थी, फिर भी आपने अपना मुकाम हासिल किया, आपने उस टास्क को पूरा किया है. तो कोई चीज़ थी जो बहुत देर से नहीं हो पा रही थी, जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी किसी भी ABC फैक्टर्स की वजह से, आप फाइनली उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ को पूरा कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए अगर सपोज उन्होंने किसी तरह का कोई लीगल वर्क कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी थी, सिचुएशंस वर नॉट फेवरिंग यू, तो फाइनली वो चीज़ें सेटल हो रही हैं और वो चीज़ टास्क वगैरह आपके लिए कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आ रही बाय योर नेक्स्ट बर्थडे. जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स ग्रांट करना चाहता है वो क्या ब्लेसिंग्स आपको ग्रांट कर रहा है बाय योर नेक्स्ट बर्थडे. तो आपके पास है यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड, देन वी हैव यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड देन वी हैव हियर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का. तो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स से आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो. तो आपका मन में वो प्यार है, जैसे मैंने वही कहा ना कि आप में वो करिश्मा है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ मैं बताती हूँ कि ये ब्लेसिंग है कि आप अपनी बात विवाहकों के बोल रहे हो, आप लोगों को अपने हिसाब से चला रहे हो और लोग बुरा भी नहीं मारे. पता समटाइम्स इट हैपन्स कि हम इतना स्वीट होके भी किसी को बोले, रिक्वेस्ट भी करें ना कि प्लीज़ ये करो, तो लोग तो भी बुरा मानते और वो चीज़ भी नहीं होती. बट दैट इज़ नॉट द केस विद यू. आप बहुत क्लियरली अपने बातें रख रहे हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, आप बता रहे हो कि देखो मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये चीज़ इस हिसाब से करनी होगी और लोग उस चीज़ का बुरा भी नहीं मान रहे. दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि जब आप चीज़ें अपने हिसाब से कराओ और आपको कोई बुरा भी ना समझे. ये तो मोस्टली हम ये कहते हैं ना कि हम अपने हिसाब से चीज़ कैसे करें या इसको ऐसे कैसे बोले, ये बुरा ना मान जाए, लोग मेरे बारे में ऐसा ना सोचे. बट योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज हैपनिंग इज कि आपको लोग सब प्यार भी करेंगे, आपको लोग इज्जत भी देंगे, इनफैक्ट लोग आपसे इंप्रेस्ड भी रहेंगे और आपकी पसंद का काम भी करेंगे. एंड हाउ कूल इज दैट, हाउ कूल इज दैट यू आर बींग सो ट्रांसपेरेंट. आप बेझिझक होके एकदम बेबाक होके चीजें कर रहे हो. यू आर काइंड ऑफ बॉर्डरलाइन रूड, जो कि नहीं होना चाहिए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. बट पीपल आर स्टिल अंडर योर स्पेल, पीपल आर स्टिल अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर स्टिल लाइक ऑ मेरी पायल, दिस पायल दे आर सो अमेजिंग, ये कितने अच्छे इंसान है, कितना अच्छा इनका विजन है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू. सो दिस इज वन ब्लेसिंग दैट आई कैन सी कि आपकी लाइफ में आप बहुत सॉर्टेड होकर चीज़ें करोगे और अपने हिसाब से करोगे और उसका कोई बुरा नहीं मानेगा, इनफैक्ट लोग आपको अप्रिशिएट ही यहाँ पर कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. लेट्स सी कि जो भी आपका अपकमिंग बर्थडे है, नेक्स्ट बर्थडे है, उसकी क्या एक एनर्जी है जो मैं यहाँ आपके लिए चेक करती हूँ. वट इज़ द नेक्स्ट कार्ड है, तो आपका अपकमिंग बर्थडे की क्या एनर्जी है. एंड वी हैव हियर 4 of Coins. सो आपके बर्थडे पे डेफिनेटली आपको कुछ स्टेबिलिटी मिलने वाली है और एक अच्छा गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कोई अच्छा गिफ्ट जो कि एक तरह का धरोवर हो. तो आइदर यू कैन बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ जो कि बहुत लॉन्ग टर्म हो, या फैमिली की तरफ से भी कोई लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग गिफ्ट मिल सकता है. किसी तरह का एसेट क्रिएशन आपके बर्थडे पे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे कार्ड्स पे इंडिकेट हो रहा है. नाउ सी, मतलब किसी तरह का गोल्ड, किसी तरह का कार, कोई प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ भी ऐसा. नाउ लेट्स सी एनी मोर फर्दर मैसेजेस जो आपके अपकमिंग बर्थडे तक आपके लिए यहाँ रेलेवेंस रखते हैं, कोई फर्दर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके लिए यहाँ रेलेवेंस रखते हैं. एंड वी हैव हियर द कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस, ऑसम. एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो अब बाय विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में एक बे हैप्पी चेंजेस आएंगे जो टिल योर बर्थडे पूरे फुल फ्रुएशन में आपकी लाइफ में आ जाएंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक वन कार्ड थ्रू टैरो कि बिग हैप्पी चेंजेस किस बारे में हो सकते हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, ओ माई गॉड. एंड वर्ल्ड कार्ड में सब कुछ होता है, उसमें आपका विजडम होता है,
उसमें आपका कर्मा होता है, उसमें आपका वेकअप कॉल होता है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसमें सब कुछ होता है. तो वट एवर यू विशिंग फॉर, आई थिंक वो कुछ हो सकता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है. तो यू हैव बिग हैप्पी चेंजेस और इनकी शुरुआत इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही होने लगेगी. सो कंग्रेचुलेशन गाइज, वट अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू. सो दिस इज योर रीडिंग माई पाइल. इन केस आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए हैं, क्लिक किए हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ इंटरेक्ट करिएगा बाय लाइकिंग, शेयरिंग, सपोर्टिंग, सब्सक्राइबिंग. एंड मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आपका बर्थडे एकदम मज़ेदार है, तो आपने ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है. एंड डू वन थिंग एज वेल, यस, अपना डेट ऑफ बर्थ भी यू नो कमेंट करो, सो दैट यू कैन फाइंड योर ट्विन, न्यू बर्थडे ट्विन. ओके, डू दैट. ग्रीन हार्ट और अपना बर्थडे साल चाहे मत करो, दैट्स योर चॉइस, बट डेट ऑफ बर्थडे बर्थ डेट कर लो एंड सी योर ट्विन. एंड आई विल ऑल्सो मैनिफेस्ट दिस ऑसम थिंग टू हैपन टिल योर नेक्स्ट बर्थडे. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट पिक अ कार्ड विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट टू यू. बाय बाय.